नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल फ्लेवर्स बाय सुश में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज हक्का नूडल्स। नूडल्स मोस्टली सभी को बहुत पसंद होते हैं और ये वो डिश है जिसके साथ आप अपने बच्चों को खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल खिला सकते हैं। वेज हक्का नूडल्स में डालने के लिए वेजिटेबल्स को लंबी स्ट्रिप में कैसे आसानी से चॉप किया जा सकता है, आज हम देखेंगे वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से वॉच करेंगे तो इस डिश को रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी बना पाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हुए फिर अपने किचन में और बनाते हैं बढ़िया सी रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स। वेज हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं नूडल्स 150 ग्राम्स और डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ ली हैं। इनको कैसे चॉप करना ये बताएंगे। कुछ मसाले लिए हैं चाइनीज, वो जब हम डालते जाएंगे तो बताते जाएंगे। सबसे पहले हम अदरक को चॉप करेंगे, इसके पतले पतले इस तरीके से स्लाइस काट लेंगे। और इस तरीके से ही यूं गड्डी लगा लेंगे और बहुत महीन महीन काटेंगे। यहाँ पर हमने 5 कली लहसुन के ले ली हैं, इनको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे पहले। प्याज को इस तरीके से आधा आधा करके फिर ऐसे पतले स्लाइस निकाल लेंगे। अब शिमला मिर्च को काटेंगे। इसके भी ऐसे ही लंबे लंबे स्ट्रिप काटेंगे। अब देखिए पत्ता गोभी का ये जो बीच वाला हिस्सा है इस तरीके से निकाल देंगे। ये बहुत कड़ा भी होता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, वो गलता भी नहीं आसानी से। अब हम यहाँ पे लेंगे चौथाई पत्ता गोभी, इसको लंबी स्ट्रिप में काटने के लिए इस तरीके से रख लेंगे और बिल्कुल महीन महीन काटते जाएंगे जितना संभव हो। अब गाजर के भी पतले स्लाइस बनाकर लंबे स्ट्रिप्स काट लेंगे। अब स्प्रिंग अनियन को भी बारीक चॉप कर लेंगे। हमारी सारी वेजिटेबल्स चॉप हो गई हैं। अब हम आगे नूडल्स बॉईल करने के लिए चलते हैं। नूडल्स बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर 3 लीटर लगभग पानी चढ़ा दिया है। पानी को अच्छे से बॉईल हो रहा है, डाल देंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नूडल्स।
नूडल्स को हमेशा अपने पैकेट पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार उबालें। यहाँ पर मेरे पैकेट पे लिखा हुआ है 5 मिनट उबालने के लिए, तो मैं 5 मिनट उबालूंगी। नूडल्स हमारे 5 मिनट से बॉयल हो रहे हैं, इनको तुरंत निकाल लेंगे। पानी से इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। ठंडा पानी डालने से इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है और नूडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉगी या वैसे सॉफ्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ड्रिजल करके, जिससे ये नूडल्स पे अच्छे से लग जाएगा। तो जब हम बनाएंगे हक्का नूडल्स तो ये चिपकेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे जिससे सारे नूडल्स जो है ऑयल से कोट हो जाए अच्छी तरह। नूडल्स देखिए ऑयल से अच्छी तरह कोट हो गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, हीट यहाँ पर हाई रखेंगे और डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छी तरीके से कढ़ाई को कोट कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे पहले जो हमने चॉप किए हैं गार्लिक। यहाँ पर देखिए जिंजर और गार्लिक का कच्चापन बिल्कुल निकल गया है। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे स्लाइस अनियन। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्याज को हल्का सा सॉटे कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे बाकी की सब्जियाँ। सब्जियों को हाई हीट पर 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। सब्जियां सॉटे हो गई हैं, अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1/2 टीस्पून शुगर। अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून चिली सॉस और 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो। ये ऑप्शनल है, इसको रेस्टोरेंट वगैरह में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। अब साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून विनेगर। अब हम सब्जियों को 2 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। इनको पूरी तरह कुक नहीं करना है, इनमें क्रंच रहना चाहिए। हीट यहाँ पर लगातार हाई रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे नूडल्स। अब इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ी कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च। तीखापन अपने स्वाद अनुसार रखें। अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा थोड़ा कम रखें। आप देख सकते हैं कि नूडल्स प्रॉपरली कुक हो गए हैं। अब इसको गार्निश करेंगे थोड़े ग्रीन अनियन से और प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज हक्का नूडल्स तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।